श्री गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और गंग नहर सिंचित क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के अनदेखी के कारण किसानों को सिंचाई का पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में गंग नहर का तय शेयर 2800 क्यूसेक है, परंतु सिंचाई विभाग, स्थानीय प्रशासन और सरकार की संवेदनहीनता के कारण गंग नहर में 2000 क्यूसेक पानी भी नहीं चल रहा है। इसके साथ ही पानी में रोज उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जिससे किसानों के सामने पानी की बारियां खाली जा रही हैं। इस समय किसानों को फसल के लिए अधिक पानी की जरूरत है। अगर पानी पूरा नहीं मिलता है तो किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो जाएगी, जिसकी वजह से किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। टाइम पानी की जरूरत है और दो दो बारियां किसानों की खाली चली गई हैं, जिससे वो फसलें बर्बाद होने के कगार पर आ गई है। तो हम सरकार को चेतावनी, कांग्रेस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और साथ ही साथ पंजाब सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि किसानों का हक देवे, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। किसानों के हक के लिए हम सभी जगह पर प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनको किसानों का हक दिला के। नगर में भी दिया है, राजनगर में, कर्णपुर में, अनूपगढ़ में, पदमपुर में, अभी गंगानगर दिया है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन देकर राजस्थान सरकार से मांग की है कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें। गंग नहर में जो दिक्कत आ रही है पानी की, तत्काल पानी पूरा किया जाए और किसानों को राहत प्रदान की जाए। यही आज सब लोगों ने निवेदन किया है, इसीलिए आज हम लोग गंगानगर SDM साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं।